आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का टीजर, लेकिन कौन सी मूवी बताएंगे मौजम। टीजर है गॉडफादर मूवी का और बेसिकली एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है। और अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है मोहन राजा ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है रामचरण, आर बी चौधरी और एन वी प्रसाद। और स्टार कास्ट में है चिरंजीवी जी है, सलमान खान है, पूरी जगन्नाथ है, सत्या देव, नयनतारा है, सुनील, इसके अलावा ब्रह्मा जी हैं और मुरली शर्मा। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का टीजर। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और स्ट्रीमिंग का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नाइस शॉट। 20 साल कहां गए पता भी नहीं चला। बस 6 साल पहले आया था वो और अब लोगों में उसने बहुत अच्छा नाम कमा लिया है। चाहे कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। He's the reason for every goddamn thing. Kill him. Do you know who he is? He's the boss of the bosses. Our one and only godfather. लगता है बड़ी लंबी प्लानिंग चल रही है। अपने इस छोटे भाई को भूलना नहीं। कहो तो अभी आ जाता हूँ। वेट फॉर माई कमांड ब्रदर। अक्टूबर में आ रही है भाई। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जो है ना पॉलिटिकल ड्रामा मूवीज जो होती हैं या वेब सीरीज जो होती हैं देखने का बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उनमें जो है ना इस तरह के ना जो पॉलिटिक्स भी षड्यंत्र रचे जा रहे होते हैं वो जब आप देखते हैं ना तो आपको थोड़ी बहुत ये समझ लगती है कि भाई मजा तो हो क्या आ रहा है। लेकिन ये है कि भाई आज का टीजर देखकर गॉडफादर का मैं बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि मुझे मजा आया, क्योंकि अच्छा लगता है। सीरियसली मुझे भी पॉलिटिकल ड्रामा मूवीज काफी ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा आपको यू नो जैसे कहते हैं ना चेस की तरह आपको शतरंज के प्यादे, शतरंज के प्यादे वो खेलने देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कि हम लोगों ने स्टार कास्ट में देखा भी था कि सलमान खान सर जो हैं वो भी हैं बीच में हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि टीजर में भी वो दिखाएंगे, लेकिन ये कि मुझे लगा कि शायद केमियो एक्सपीरियंस पेरेंट्स में हो गया, आज क्या हो गया मुझे। लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा रोल है उनका भी। ये तो अब ट्रेलर आएगा तो फिर तब एक प्रॉपर पता चलेगा, क्योंकि अभी भी एक जरा उनकी एंट्री देखे ना तो वो इस तरह की मुझे एंट्री लगी है जैसे केमियो पेरेंट्स होती है। तो वो जब अब ट्रेलर आएगा फिर उसके बाद पता चलेगा कि भाई उनका कितना ज्यादा रोल है इस मूवी में। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी कि चिरंजीवी सर के साथ सलमान खान सर को यू नो एक अच्छा कॉम्बो हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं चिरंजीवी सर की बात करना चाहूंगी, भाई 67 की एज में भी वो इतने एनर्जेटिक है। मुझे लगता है कि उनसे सीरियसली गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए कि भाई अपने आप को फिट कैसे रख दें, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पर हम लोगों ने विक्रम देखी थी, विक्रम मूवी, और उसमें कमल हसन सर को भी हम लोगों ने देखा और वी वर लाइक के भाई हम तो वाकई में बहुत ही निकम्मे हैं कि हमें यहाँ पर दर्दें हो रही हैं और 67 की एज में कितना एक्शन कर रहे हैं यार। वही ना, वो जब हम मूवीज देखते हैं ना तो ये चीज आपके जहन में आती है कि यार ये जो है अभी इनकी एज 67 हो चुकी है। अगर उस एज में हम बात करें, बल्कि उस एज में क्या, हमें तो इसी एज में जो ना है हमारी टांग में दर्द हो रहा है, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, तो हम इन चीजों में पड़े हुए। लेकिन वाकई में अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रखते हैं। कमल हसन सर की जब मैंने एज देखी थी तो वैसे मुझे पहले लगा था यार अगर होंगे भी तो मैक्सिमम 50 के पास पास ही होंगे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर होंगे। लेकिन जब उनकी मैंने ये देखी भाई 67, मैं तो हैरान सही बात आश्रय में रह गया था। anyway, अभी हम आज गॉडफादर की बात करते हैं। फिलहाल गॉडफादर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चिरंजीवी सर हैं
मुझे लगता है कि शायद कुछ इस तरह से दिखाया गया कि उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बन जाता है लोगों पर और कुछ टाइम के लिए मे बी वो गायब हो जाते हैं, फिर वो दोबारा से आते हैं, कुछ इस तरह की मुझे स्टोरी है। ये तो ट्रेलर जब आएगा फिर ही सही पता चलेगा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अनुमान लगा सकती हूँ अभी फिलहाल, लगाना चाहिए अनुमान इसमें क्या है। ये कि ओवरऑल मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी मूवी होगी और ऐसी मूवी थिएटर्स में देखने का ज्यादा मजा आता है क्योंकि उसमें एक्शन बहुत ज्यादा होता है और मुझे लगता है कि जो एक्शन वाली मूवीज होती है ना वो आपको थोड़ा साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसमें आपको देखने का ज्यादा मजा आता है। 2019 में जो है एक मलयालम मूवी आई थी जिसका नाम था लूसीफर और ये जो मूवी है ये उसका जो है तेलुगु रीमेक है और भाई 5 अक्टूबर को हम लोग को ये मूवी देखने को मिलेगी थिएटर्स में। तो वेट करते हैं अभी पहले ट्रेलर का, फिर हम मूवी का इंतजार करेंगे। आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है चिरंजीवी सर का और सलमान खान सर का, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि कैमियो अपीयरेंस में नहीं है क्योंकि डिटेल्स में भी ये बात नहीं लिखी हुई, बाकी ट्रेलर आएगा और साथ मूवी आएगी तो तब पता चलेगा। और आप जरूर बताइए कितने ज्यादा एक्साइटेड इस मूवी के लिए कमेंट सेक्शन में, और इसी साथ हमें जल्द हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।